कोरोना महामारी की दूसरी लहर पूरे भारत में घातक रूप धारण कर चुकी है। कोई राज्य या कोई भी शहर ऐसा नहीं रहा होगा जहां इस महामारी ने तांडव नहीं मचाया। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में सामने आए नए मामलों ने एक बार फिर लोगों को डर बढ़ा दिया है। हाल ही में जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,47,000 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 2,800 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी न जाने लोगों को क्या क्या दिन दिखा देगी, ये अंदाजा लगाना अब बेहद ही मुश्किल हो गया है। अभी तक तो मरीजों को अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो वहीं शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए घंटों लाइनें लगानी पड़ रही थी, और अब शमशान तक शव को ले जाने के लिए साधन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यूपी के आगरा के जयपुर हाउस में एम्बुलेंस की कमी के चलते एक मजबूर बेटे को अपने पिता की अर्थी कार की छत पर सजानी पड़ी। इस पूरे वाक्य को देखकर पूरे शहर की आंखें नम हो गई। बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता के शव को शमशान घाट तक कैसे ले जाए, लेकिन जब लाख कोशिशों के बावजूद एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो सका तो वो अपने पिता के शव को कार की छत पर बांधकर शमशान ले गया। इतना ही नहीं, जब मोहित शव को मुक्तिधाम लेकर पहुंचा तो घंटों लाइन में अपने पिता के अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहा। पूरे देश में एक तरफ कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ मिजोरम के लुंगलेई के जंगलों में लगी आग अब शहरों के करीब पहुंचने से हाहाकार मच गया है। लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा बलों के जवान आग को बुझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। मिली जानकारी के मुताबिक मिजोरम के लुंगलेई के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जंगलों में लगी आग अब शहरों के नजदीक पहुंच गई है। शहरों के लिए बजी खतरे की घंटी को भांपते हुए राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। वहीं केंद्र सरकार ने वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को आग बुझाने के लिए तैनात कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन इस वक्त पूरे जोश के साथ भारत में खेला जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आयोजित हो रहे इस आईपीएल में इस बार कई टीमों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, जिनमें से एक दिल्ली कैपिटल की टीम भी है। अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही इस टीम को अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस टीम के स्टार खिलाड़ी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से बाहर होने का फैसला ले लिया है। आईपीएल के सीजन को बीच में ही छोड़ने को लेकर जानकारी खुद अश्विन ने दी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हुए अश्विन ने ट्वीट किया है कि इस वक्त उनका परिवार कोरोना महामारी के बुरे समय से गुजर रहा है, ऐसे में वो इस समय अपने परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना चाहते हैं, जिस वजह से वो आईपीएल बीच में ही छोड़ रहे हैं। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। आए दिन संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मायानगरी मुंबई में हालत बद से बदतर होती जा रही है। लॉकडाउन लगने के कारण रोज कमाकर खाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर बॉलीवुड के भाईजान आ गए हैं। दरअसल अभिनेता सलमान खान इस वक्त मुंबई में ऐसे जरूरतमंदों के लिए मदद करने आगे आए हैं, जिन्हें लॉकडाउन के कारण खाने की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सलमान खान ऐसे लोगों के लिए फूड पैकेट्स का वितरण कर रहे हैं। सलमान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बीजेपी के राज्य में कोविड-19 के क्या हालात हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं बेड की कमी, दवाओं की कालाबाजारी इतनी कोशिशों के बावजूद धड़ल्ले से जारी है। अब आम आदमी की क्या कहें, जब राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के ही हाल बेहाल हैं। सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं, जो लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं उन्हें भी सुचारू इलाज मिल पाना मुश्किल हो रहा है। ग्वालियर के वरिष्ठ नेता राजकुमार बंसल के बेटे हैं। राजकुमार बंसल बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। उनका बेटा आज फवक फवक कर रोने के अलावा पर मजबूर है। आंसू है कि थमने का नाम नहीं लेते। वजह यह है कि जिस पिता ने दम पर वह मध्य प्रदेश में अपना रसूख रखते थे, वो पिता अब नहीं रहे। विधायक राजकुमार बंसल बीजेपी के राज में ही कोविड के शिकार हो गए और उनका निधन हो गया, और बेटा किस कदर इसके लिए बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रहा है, ये आप खुद ही सुन सकते हैं।
जमीन पर लेटा ये शख्स जो दिखाई दे रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बीजेपी का पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता देवेश शर्मा है, जिनकी मजबूरी है कि इन्हें यूं जमीन पर बैठकर एक आम सुरक्षा गार्ड के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं, उसे अपनी पहचान भी बताना पड़ रही है और अपनी मांग पूरी करने के लिए इस तरह अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। कई बार दरख्वास्त करने के बाद भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन देवेश शर्मा को नहीं मिल पाया, उन्होंने किसी और से नहीं की थी। कोविड-19 महामारी मंत्री और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से रेमडेसिविर की मांग की थी। देवेश शर्मा का यही आरोप है कि मंत्री जी की नौटंकी चालू है, दूसरी तरफ इलाज का बुरा हाल है। बाद में वहां खुद मंत्री पहुंचे और उन्होंने देवेश शर्मा को समझाने बुझाने की कोशिश की। इस पूरी घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही दवाओं के लिए इतने परेशान हैं और मंत्री के कहने पर भी कलेक्टर दवा उपलब्ध नहीं करा पाए तो आम आदमी की क्या विसात है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, सभी लोगों में भय का माहौल है, साथ ही कई तरह की पाबंदियां भी प्रदेश में लागू हैं। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में शादियों को अनुमति दे दी है। बता दें भोपाल इंदौर के कलेक्टर्स ने पूरी तरह से शादियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन सीएम शिवराज ने शादी करने की अनुमति दे दी है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि शादी समारोह में सिर्फ 10 लोग ही शामिल होंगे।